बात चल रही 2023 वर्ल्ड कप की करें तो इस समय सभी के दिल और दिमाग में एक ही चर्चा है, 2023 का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी, या इंडियन टीम विश्व कप उठाने में सफल रहेगी या ऑस्ट्रेलियाई टीम इसे मात देगी। अगर इंडियन टीम के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान भारत की टीम पूरी तरह से सामने वाली टीम पर भारी पड़ी है और इसीलिए सभी के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआती दो मैच हारकर अपने सभी मैचों को जीतने में सफल रही है और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप के फाइनल में भारत के विपक्ष में दमदार तरीके से खड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं अगर ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के आईने से देखें तो ये विश्व कप का फाइनल मैच बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, जिसमें इंडिया को तेज शुरुआत के बाद लगातार झटके लगने की संभावना बन सकती है। हालांकि ये स्थिति भी बन रही है कि विराट कोहली एक और शतक लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित करें और इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। लेकिन इस मैच में गेंदबाजों की भूमिका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। हालांकि मौसम भी इस मैच में अपना असर दिखा सकता है, यदि मौसम की वजह से खेल नहीं रुका तो इस मैच में भारत के जीतने की संभावनाएं अधिक होंगी। इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी करने के योग बन सकता है। वहीं इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क तथा पैट कमिंस मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, जबकि भारत की ओर से तेज शुरुआत देने वाले रोहित शर्मा और सुमन गिल, विराट कोहली, अय्यर और सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी मुख्य भूमिका में रहने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये विश्व कप भारत का विश्व कप बन सकता है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच फाइनल है वो किस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन मैच हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय जो फैंस हैं वो बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि इंडिया इस बार डेफिनेटली वर्ल्ड कप जीतेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया भारत ये वर्ल्ड कप जीतकर लेकर के आए और एक नया कीर्तिमान भारत के इतिहास के पन्नों में जो है वो दर्जित हो। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।